हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर यश। तो आज हमारा ब्लॉग आ रहा है और ये वाला ब्लॉग है सुरकंडा देवी माता मंदिर डनऑल्टी। तो हम वहां तक जाएंगे, आपको सारा ब्लॉग इसका दिखाएंगे, रास्ता जो भी है पूरा सीनिक व्यूज इतने मस्त आएंगे वहां से। आपको देखना है इसको पूरा, लास्ट तक देखना है इस ब्लॉग को, एकदम बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे। और दूसरा, जो पिछली वीडियो में डिकैथलॉन वाली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है और उसके आसपास का एक टूरिस्ट प्लेस, तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ। तो वो नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स उसका आंसर है। और उसके पास जो टूरिस्ट प्लेस है वो है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा है ऊंचाई पे है काफ़ी, तो वो एक टूरिस्ट प्लेस है उसके पास। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। तो गाइज, हम अपना ब्लॉग एक छोटे से इंटर के बाद शुरू करते हैं। तो ये है राजपुर रोड, हम निकले थे शहस्त्रधारा रोड से, अब जाएंगे हम सीधा धनौल्टी। अभी हमें ये राजपुर रोड पर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने मसूरी की पहाड़ी है, वो पूरी एकदम जगमगा रही है, वो फ्लैट फ्लैट उसमें सब कुछ। देख सकते हैं ये पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ पे खूब लैंडस्लाइड हुआ है इस साल, और एक हफ्ते के लिए मसूरी रोड बंद भी हो गया था इस कारण। फ्रेंड्स, हम ये देख सकते हैं आप सामने मासूरी की पहाड़ है, और ये है भट्टा फॉल का रास्ता है, यहाँ से नीचे भट्टा फॉल तक जा तक आप जा सकते हैं। अभी हम लेकिन धनौल्टी जाएंगे आगे। फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे जाएंगे भट्टा फॉल के लिए। यहाँ से नीचे जो रास्ता है वो मसूरी लेक तक जाता है, आप सामने देख सकते हैं। वेलकम टू मसूरी लेक। आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है यहाँ पे, नेचुरल नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये वाला रास्ता जाता है मसूरी, आगे मसूरी चले जाएंगे हम यहाँ से। ये वाला रास्ता उसके राइट साइड में है, ये जाता है हमारा धनौल्टी। तो फ्रेंड्स, अभी हम धनौल्टी रोड पे ही है, ये देख सकते हैं अभी काफी है, अभी डिस्टेंस रह रहा है। और सामने आप देखिए व्यू कितना मस्त है, सूरज ऊपर निकल चुका है, और ये पहाड़िया है, पहाड़िया काफी ऊपर आ गए हम। यहाँ पे ठंड भी काफी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त एकदम।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पे है, वहां पे आपको हिमालय भी दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा जूम करूंगा। तो ये हिमालय की श्रृंखला है, अभी हम जैसे जैसे धनौल्टी पहुंचते जाएंगे ये और हमारे पास आते जाएंगे। फ्रेंड्स हम जब सर्दियों में आए थे यहाँ पे बर्फ देखने, तो इस रोड पे सबसे ज्यादा बर्फ रहती थी और यहाँ पे धूप कम निकलती है। तो आप देख लो हिमालय भी दिख रहे हैं सामने, इतने बढ़िया व्यू आ रहा है एकदम मस्त। और कॉनिकल ट्रीज पूरे पहले से ही स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे, बर्फ ही बर्फ हो जाती है यहाँ पे सीजन में। पहुंच चुके हैं धनौल्टी में, आप देख सकते हैं इको पार्क से अभी हम आगे निकले। धनौल्टी ग्रीन धनौल्टी, तो काफी ग्रीन है ये धनौल्टी और हम पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं। बहुत ही मस्त जगह है ये, ये है इको पार्क, सेकंड इको पार्क है धनौल्टी का और अभी इसको बंद कर रखा है फिलहाल, ये देख सकते हैं आप। कंडा देवी मंदिर की एंट्री, तो फ्रेंड्स यहाँ से 1.5 किलोमीटर की अभी पूरी चढ़ाई है, आगे हम चलते जाएंगे। फ्रेंड्स 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई स्टीप है काफी, हम चल रहे हैं आगे। यहाँ से व्यू बहुत मस्त है और ऊपर से तो बोलते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड टूरिज्म सुरकंडा देवी मंदिर का सारी डिटेल्स है। तो ऊंचाई है 2750 मीटर, अगर हम धनौल्टी की बात करें तो वो है 2286 मीटर, तो काफ़ी ऊंचाई पर है मंदिर, वहाँ से पूरा हिमालय के दर्शन हो जाते हैं आपके। ये लिखा है मसूरी यहाँ से 33 किलोमीटर, धनौल्टी 5, टिहरी बांध 48, कुंजापुरी देवी मंदिर 66 किलोमीटर, नरेंद्र नगर 67 किलोमीटर। यहाँ पे पहाड़ों में कुछ भी पॉसिबल है, आप देख सकते हैं पूरी झाड़ी रोज की है। तो फ्रेंड्स अभी मुश्किल से ही 100 मीटर हुआ होगा और ये बहुत स्टीप चढ़ाई है और मैं तो थक गया हूँ बिल्कुल, अभी काफी ऊंचाई पे है मंदिर, हम धीरे धीरे जा पा रहे हैं वहाँ पे। हमारी ट्रैकिंग की आदत थी, डिकैथलॉन के ग्रुप में हम जाते थे तो अब वो तो बिल्कुल कोरोना के टाइम पे छूट गई बिल्कुल आदत, तो अब ट्रैकिंग की आदत बिल्कुल गई और अब बुरी हालत हो रही है। ये देखो आप स्टीप कितनी है चढ़ाई, ये देखो गाइस। फ्रेंड्स यहाँ पे आप घोड़े से भी ऊपर तक जा सकते हैं मंदिर तक, ये देखिए। लेकिन हम पैदल जाएंगे एडवेंचर करने के लिए, तो चलो गाइस हम आगे चलते हैं। गाइस स्टीप चढ़ाई है लेकिन सांस भी फूल रही है, लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए। वहाँ से तो बोलते हैं आपको टिहरी, चंबा, देहरादून, धनौल्टी, हिमालय सब वहां से एक जगह से दिख जाते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ही है यहाँ का ना। तो ये देखिए, वो देखिए भैया कितना सामान लेके आ रहे हैं, ये देखिए व्यू भी मस्त है। अभी तो यहीं से ही अच्छा व्यू है, ऊपर से देखते हैं कितना और अच्छा मिलता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो है सुरकंडा माता का मंदिर और अभी काफी ऊपर है वो, वहां तक जाएंगे हम धीरे धीरे। आप देख सकते हैं ट्रैकिंग का रास्ता भी है अभी पूरा, वो दिख रहा होगा आपको व्हाइट व्हाइट जो रास्ते में ना,
वहां से ही हमें जाना है ऊपर तक। तो चलो गाइस हम चलते आगे। ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, शॉर्ट पड़ेगा आपको और अच्छा रास्ता लगा, लेकिन हम नहीं जा रहे इससे। ये मेन रास्ता है, ये देखिए, और ये भी अच्छा रास्ता है। वो देखिए दो भैया जा भी रहे ऊपर, ये देखिए कच्चर। फ्रेंड्स आप वो देखिए, वो टेरेस फार्मिंग होती है यहाँ पे पहाड़ों में, सामने पहाड़ी में करी हुई है वो टेरेस फार्मिंग। यहाँ पे पोटैटो फार्म्स भी होते हैं, तो हम पिछली बार गए थे, अभी शायद वो बंद कर रखा है। ये देखिए आप व्यू देखिए, और वो जो सड़क देख रहे हैं आप, अभी वहीं से ही हम चढ़ के आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे है इस समय हम। और अब हम ये वाला थोड़ा सा रास्ता पकड़ रहे हैं, कच्चा वाला, तो आगे देखते हैं हम, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं कैसा लगा हमें। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से जाएंगे कच्चा रास्ता, वो देखिए वहाँ तक, तो चलो हमारे पीछे आ जाओ आप। फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगा, एक ही हाइक में हमें दो टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है, नॉर्मल रास्ते का और कच्चे रास्ते का। तो हम बीच बीच में कच्चे रास्ते से भी आए हैं, नॉर्मल रास्ते से भी आए हैं, तो मुझे कच्चे रास्ते में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आप भी कभी आओ तो बीच बीच में ऐसी जगह से कच्चे रास्ते से आना जो आपको लगे सेफ है, क्योंकि कहीं जगह खाई भी है साइड में, तो वो आप प्रेफर मत करना बिल्कुल भी। तो चलो गाइस हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मस्त व्यू है यहाँ से, और वहाँ पे दून वैली है उधर की तरफ, जहाँ मैं आपको जूम करूँगा, ये इधर दून वैली पड़ती है, ये देखिए खाई। और वो देखिए फ्रेंड्स सड़क पहले भी आपको मैंने दिखाई थी, काफ़ी ऊंचाई पे आ गए और अभी भी थोड़ा ऊंचा और जाना है हमें। तो चलो गाइस आगे चलते हैं हम। फ्रेंड्स पूरी चढ़ाई में आपको यहाँ पे जगह जगह ऐसे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ खाना पीना है आपको तो वो भी कर सकते हैं आप। ये देखिए कितना जंगलों में से आ रहे हैं बीच बीच के रास्ते से। फ्रेंड्स देखिए सड़क और छोटी होती जा रही है, अब बस ऑलमोस्ट हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। वो जो आपको दिख रहा है उससे थोड़ा सा ही आगे है बस, हम पहुंच जाएंगे मंदिर। तो गाइस फिर हम लोग आगे चलते हैं, चलो। ये है सुरपंडा देवी माता का मंदिर, हम लोग यहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर आए हैं धनौल्टी से, और ये लगभग 2750 मीटर की ऊँचाई पर मंदिर है। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँचाई पर मंदिर है ये देखिए। फ्रेंड्स ये माता का मंदिर है, वो हनुमान जी का मंदिर है, देखते हैं। ये शिव जी का मंदिर है। Thank you.
फ्रेंड्स, उस बंदे ने किसी का प्रसाद ले लिया और खूब मजे से वो खा रहा है वहां पे ऊपर बैठ के। कहाँ गया ये रहा, ये देखिए, ये है मंदिर का प्रांगण, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं इसका, ये देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मौसम अचानक से ही बदल गया है कुछ, देखिए। देखिए वो वैली है, कितनी बढ़िया वैली है, वो गांव बसे रहते हैं यहाँ पे पहाड़ों में, उसमें ये देखिए सीढ़ी वाली खेत जो होते हैं वो भी बना रखे हैं। हम दर्शन कर चुके हैं और अब हम चलते हैं नीचे, चलो गए। यहाँ से सुरकंडा देवी के लिए रोपवे का काम चल रहा है, ये देखो आप भैया, ये रोपवे बन रहा है यहाँ पे। हाँ, ये रोपवे बन रहा है, भैया ने बताया हमें, तो जिनको रोपवे से जाना है वो रोपवे से जा पाएंगे। अब खच्चर यहाँ पे चलते ही है और आप देख सकते हैं पैदल भी जाते हैं। फ्रेंड देखिए, ये कोई जत्था जा रहा है माता का, ये देखिए। साइड में चल लेते हैं थोड़ा सा, हम एग्जिट पे ही है ऑलमोस्ट, एग्जिट एंट्री, ये देखिए माता की डोली जा रही है। हम आ गए हैं यहाँ पे नीचे, अभी कुछ खाने के लिए बैठे हैं, तो आपको दिखाते हैं हम क्या खा रहे हैं। भाई बहुत टेस्टी दाल चावल, ये देखो वो हमारे भैया बना रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे आओ तो मतलब जो यहाँ की लोकल चीज़ है वो जरूर ट्राई करना, क्योंकि इसी में ही स्वाद है और सब बेकार है।